गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज का टॉपिक है गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद, है ना। आज हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम के कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही प्रेमचंद को अपने पिता धनपत राय के नाम से और बाबा और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। इनका विद्यार्थी जीवन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं हुआ था। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली बार असफल हो जाने के कारण इनका विद्यार्थी जीवन यहीं पर समाप्त हो गया था। प्रेमचंद जी ने एक अध्यापक के रूप में कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। इसी पद पर कार्य करते करते इन्होंने एमए और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रेमचंद जी कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद की अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा सके। इनके दो विवाह हुए थे। इन्होंने मारवाड़ी विद्यालय कानपुर और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य किया। यहाँ से त्याग पत्र देकर स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन में प्रवेश किया। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य जीवन परिचय था। अब हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था। उर्दू में प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे। इनके द्वारा रचित कुछ राजनीतिक कहानियाँ जो उर्दू में थी धनपत राय के नाम से प्रकाशित हुई। उर्दू की एक कृति सोजे वतन तो इतनी चर्चित हुई कि अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। इनकी रचनाओं में तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। इन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही की उपाधि से विभूषित किया गया। बच्चों, ये इनका साहित्यिक परिचय था। अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे, है ना, इनकी कृतियां जो इन्होंने लिखी थी जिनसे ये प्रसिद्ध हुए थे। उपन्यास लिखे थे इन्होंने, जैसे सेवा सदन है, वरदान है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास लिखे थे। ऐसे ही कहानी संग्रह में इन्होंने सप्त सुमन है, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम तीर्थ, प्रेम सदन, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, मानसरोवर आदि कहानी संग्रह लिखे थे। नाटक, इनके नाटक थे संग्राम, करवला, प्रेम की वेदी, रूठी रानी, निबंध संग्रह थे इनके। विचार, साहित्य का उद्देश्य कल, तलवार और त्याग, है ना। और संपादन इन्होंने लिखे थे माधुरी है, मर्यादा है, हंस है, जागरण है आदि लिखे थे। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन का प्रारंभ उर्दू भाषा से किया तथा सरल खड़ी बोली में साहित्य रचना करके
अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग पत्रानुकूल किया। यदि पात्र पंडित है तो भाषा संस्कृत निष्ठ और मुसलमान है तो उर्दू तथा पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अंग्रेजी मिश्रित है। प्रेमचंद जी ने विषय अनुकूल प्रौण व्यवहारिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। संक्षेप में प्रेमचंद जी की भाषा सरल सजीव स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल है। अगली हेडिंग डालेंगे आप प्रेमचंद जी की शैली। तो इनकी शैली क्या थी? प्रेमचंद जी ने साहित्य का निर्माण जन साधारण के लिए किया था। इनकी शैली इनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। सरलता तथा सजीवता इनकी शैली का प्रधान गुण है। इनके साहित्य में प्रयुक्त शैलियों का वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे बहुत सारी शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया था अपने उसमें, जैसे विचारात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, हास्य व्यंग प्रधान शैली, मनोवैज्ञानिक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया था। अब आती है लास्ट हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। तो प्रेमचंद जी ने अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को देखा परखा तथा उनका अपने कथा साहित्य में समाधान प्रस्तुत किया। एक श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, ये था आपका प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे।